नमस्कार दोस्तों, अहम योग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगाचार्य विनायक और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पूर्ण धनुरासन, किस तरीके से अभ्यास करें जो आप आसानी से कर पाए। तो जी हां दोस्तों, आप बहुत ही अच्छे से पूर्ण धनुरासन कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, सिर्फ जरूरत है तो हमें हमारे थोड़े से स्ट्रेचिंग की और हमारे थोड़े से इम्प्रूवमेंट की कि किस तरीके से हम एक एक स्टेप करके अपने शोल्डर्स को और बैक को ओपन करें। तो दोस्तों ध्यान रखिए, शोल्डर के साथ साथ हमारे बैक को भी स्ट्रेच करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब हम पैर को ऊपर लेते हैं तो हमारे बैक में यदि स्ट्रेच अच्छा रहेगा तो ही अपर बॉडी उठेगी और पीछे से पैर उठेगा, नहीं तो नहीं उठ पाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके शोल्डर्स को एडवांस लेवल पे स्ट्रेच करें और आपके बैक को किस तरीके से आप ओपन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग घर में हाउसवाइफ होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो तरीके से आप इसको करें। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीकों से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा, जो आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, होपलेस नहीं हो, एक उम्मीद के साथ आप बने रहे, प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका आसन होगा। तो डेली डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको यह आसन की प्रैक्टिस करनी है और किस तरीके से यह आसन करना है। एक बात बताना बहुत ही जरूरी समझूंगा दोस्तों कि यदि प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको नहीं करना है, यदि पेट में कोई सर्जरी वगैरह हुई है, बहुत प्रॉब्लम है तो ना करें, बैक में प्रॉब्लम है तो ना करें, नहीं तो हर कोई इसको आसानी से कर सकता है। और इसके लाभ की बात करें तो हमारे एब्डोमिन से रिलेटेड, हमारे पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं सबके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला स्ट्रेचेस है, आपको इस तरीके से कंप्लीट आपके दोनों पाम को सामने की तरफ रखें, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरा पीछे की तरफ लेके जाना है, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल एंड रिलैक्स। अभी हम दूसरा जो करेंगे स्ट्रेचिंग करेंगे दोस्तों, इसके आपके दो से तीन तीन सेट्स कर रहे हैं, कम से कम 10 से 20 बार करें, जिससे आपका शोल्डर बिल्कुल मक्खन जैसा एकदम फ्री हो जाना चाहिए, आपको ऐसा फ्री लगना चाहिए, लाइट। दोनों पाम को सामने रखें, स्ट्रेट रखें, एल्बो को बिल्कुल लॉक करके रखें, दोनों पाम शोल्डर के ऊपर रखें, एल्बो को मिला, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, कंप्लीट रोटेट करें, फुल रोटेशंस करें, आपको फुल रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट, हाफ नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, यहां से लेके जाते हैं यहीं पे घुमाते रहते हैं, यहां पे ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको। दोनों एल्बो को मिला, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन एंड एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। इस तरीके से यह था हमारा दूसरा स्ट्रेचिंग दोस्तों। अभी हमारा जो तीसरा है, तीसरे में आपको धीरे से आपके पाम को सामने लेना है, लेफ्ट पाम को इनहेल करके ऊपर लेके जाना है, पूरे स्ट्रेच करना है, आपके शोल्डर ब्लेड से स्ट्रेच करना है। लोग क्या करते हैं, यहां से सिर्फ ऊपर उठा लेते हैं, आपको यहां से इनहेल एंड एक्सहेल पीछे की तरफ रखें, आपके राइट पाम से पकड़े ऊपर की तरफ फर्स्ट लिफ्ट करें, इनहेल एंड एक्सहेल स्ट्रेच, फिर वापस इनहेल एंड एक्सहेल स्ट्रेच, वापस इनहेल एंड एक्सहेल स्ट्रेच, इस तरीके से इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, अपोजिट हैंड इनहेल एंड एक्सहेल करके पीछे रखें, आपके लेफ्ट पाम से एल्बो को पकड़े, इनहेल करके लिफ्ट करें एंड एक्सहेल करके पुल करें, वापस इनहेल लिफ्ट एंड एक्सहेल पुल, वापस इनहेल लिफ्ट एंड एक्सहेल पुल एंड होल्ड इनहेल एंड एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स। इस तरीके से हमारा जो है तीसरा स्ट्रेचिंग था, आपके राइट लेफ्ट पाम को सामने ले, राइट से पकड़े, पूरा इस तरीके से सामने की तरफ स्ट्रेच करें, होल्ड करें। थोड़ा स्ट्रेचिंग में थोड़ा हमें रुकना बहुत ही जरूरी होता है, यदि इस आप रुकेंगे नहीं तो उसको इतना मसल को स्ट्रेच मिलेगा नहीं, तो इसलिए आसानी से रुके, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रेच है, अभी मैं आपको स्टैंडिंग में बताता हूँ कि किस तरीके से आपको कर रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही एडवांस स्ट्रेचिंग है, इससे आपका बैक भी ओपन होता है और साथ साथ में आपका आर्मपिट शोल्डर ओपन होता है, क्योंकि आपका जितना अच्छा शोल्डर ओपन होगा उतने अच्छे से आप आसन कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, वॉल के सामने आ जाना है, मिनिमम आपके बिल्कुल अपर बॉडी के आपके लेग के हिसाब से डिस्टेंस ले लेना है, दोनों पाम को वॉल के ऊपर रखना है, पाम जितना ऊपर रखेंगे आसन उतना ईजी हो जाएगा। आपके शोल्डर लेवल पर रखें, पाम ओपन रखें, फिंगर्स ओपन रखें, टोज इनसाइड हील आउटसाइड रखें, इनहेल करें एंड कंप्लीट एक्सहेल करते हुए आपकी पूरी बॉडी को इस तरीके से स्ट्रेच करें एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। अब देख रहे हैं दोस्तों इससे हमारा क्या हो रहा है, बैक स्ट्रेच हो रहा है और पूरी अपर बॉडी, हमारा शोल्डर देख सकते हैं कितना अच्छा स्ट्रेच हो रहा है पीछे तक। यदि आप कोई भी लोग हैं जिनका ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी
बॉडी नहीं भी है वो भी आसानी से कर पाएंगे और अच्छे से शोल्डर को स्ट्रेच कर पाएंगे। अब तक का बहुत ही अच्छा स्ट्रेचिंग है यह वॉल के सपोर्टेड, तो इस तरीके से आपको लेना है। इसमें क्या ध्यान रखना है, आपके हिप को पीछे पुश करना है, चेस्ट को दीवार की तरफ एक्सटेंड करना है, आपके लोअर बैक को कंप्रेस करके नीचे पुश नहीं करना, इसको एक्सटेंड करना है। तो अगर आपको थोड़ा और ऊपर रखना है और ऊपर रखें, इनहेल करें एंड एक्सहेल, जाने दें बॉडी को नीचे इस तरीके से, ऐसा लगना चाहिए आपका चेस्ट दीवार से टच हो जाएगा इस तरीके से। इनहेल आप थोड़ा पैर को आगे ले, इनहेल करें एंड एक्सहेल करके जाने दें बिल्कुल इस तरीके से एंड होल्ड करके रखें 1 2 3 4 5 इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। तो इस तरीके से दोस्तों स्ट्रेच करें, आप फील करेंगे बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग आती है। एल्बो को लॉक करके रखना है, सीधा रखें एल्बो को लॉक करके रखें और पूरा स्ट्रेच करें। इसमें आपका बैक भी स्ट्रेच होगा, कोर भी अच्छा आएगा, पूरा शेप भी अच्छा आएगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से, और बॉडी भी अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी। यदि और एडवांस करना चाहते हैं तो आपके धीरे से आपके एल्बो को इस तरीके से ऊपर की तरफ रखें, दोनों पाम को नमस्ते लें, इनहेल करें एक्सहेल डाउन। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी बॉडी पूरी स्ट्रेच हो रही है, देख रहे हैं बिल्कुल। इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से इसका स्ट्रेचिंग करें, 2 से 3 बार करें, एकदम आप फील करेंगे कि आपकी एकदम शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स, एकदम लाइट, एकदम मक्खन जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल लाइट लगेगा आपको। इसके बाद आपको जो स्ट्रेचिंग है थोड़ा सा शोल्डर रोटेशन, क्योंकि आपकी जो है शोल्डर, हम जब भी हाथ घुमाते हैं तो मूवमेंट के लिए हमारा जो शोल्डर इस तरीके से हाथ घूमता है उसके लिए स्ट्रेचिंग, आपके फ्रंटल जो आपका शोल्डर है उसके लिए स्ट्रेचिंग। आपके क्या करना है, आपके पाम को इस तरीके से सामने रखना है, इनहेल करना है और आपको इस तरीके से धीरे धीरे पीछे की तरफ घूम जाना है, जितना आप घूम सकते हैं इस तरीके से पीछे की तरफ घूम जाए। अगर सामने दीवार हो तो इस तरीके से सपोर्ट भी ले सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से रुके, होल्ड रुके, स्ट्रेच होने दे, क्योंकि हम हाथ घुमाते हैं तो ये हमारा जो होता है स्ट्रेच होता है। ये स्ट्रेच जितना अच्छा होगा, क्योंकि लॉक कर देता है इसलिए हाथ पूरा ऊपर नहीं जा पाता दोस्तों, इसलिए इसको लॉक को खोलना बहुत जरूरी है। उसके बाद वापस इनहेल सेंटर, अभी आपको यहां पर दूसरा पाम रखना है इस तरीके से, इनहेल करना है एंड एक्सहेल घूम जाना है। देख रहे हैं मैं कितना घूम रहा हूँ, इसको पाम को अच्छा दबा के रखें, एल्बो लॉक करके रखें, इस तरीके से पूरी बॉडी आपकी साइड में घूम जाए, एकदम शोल्डर पूरा, ये जो आपको लॉक है एकदम खुल जाना चाहिए। जितना अच्छा ये खुलेगा उतना अच्छा आप जो है स्ट्रेच कर पाएंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि तुरंत आसन में चले जाते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करते नहीं, क्योंकि स्ट्रेच करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं। और आप एडवांस से एडवांस आसनास भी आसानी से कर पाएंगे, एक बार आपका शोल्डर और बैक खुल गया समझ लीजिए 90% आसनास आप आसानी से ही कर लेंगे। ये हमारा 2 स्ट्रेचेस हो गया। अभी यदि आप इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आप चेयर के भी माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके घर में कोई भी चेयर को लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, आपको थोड़ा सा आपको डिस्टेंस रखना है इस तरीके से। डिस्टेंस रखने के बाद आपके दोनों एल्बो को आपके चेयर के ऊपर रखें, नीज बिल्कुल आपके पैरेलल होने चाहिए हिप की लाइन में, धीरे से यहाँ पे रखें आपके एल्बो को, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, पूरी बॉडी को जाने दें, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, पूरा नीचे जाने थे जितना हो सके जाने थे, और चाहिए तो हाथ को थोड़ा पीछे ले, इससे आपका आर्म्स जो है बहुत ही ट्राइसेप्स जो होता है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रेच होता है, आपका जो ट्राइसेप्स है ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच होता है जब भी आप इसको इस तरीके से सिर को नीचे ले लेते हैं, जाने देते हैं, इनहेल अप एंड रिलैक्स। इस तरीके से आप पूरे शोल्डर को अच्छे से ओपन कर लीजिए, बैक भी, इससे क्या होता है चेस्ट खुल जाता है, जब भी आप हाथ ऊपर लेते हैं तो ये आपका चेस्ट वैसे इस तरीके से स्ट्रेच होता है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है बॉडी को ऊपर लेने में। इसके बाद आप क्या करें, आपके थोड़े से अपर बॉडी को भी स्ट्रेच कर लें, तो यदि आप भुजंगासन भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके चेयर के सपोर्ट से इस तरीके से आपको टोज इनसाइड डॉग पोज में यहाँ पे आना, इनहेल आपके कंप्लीट इनहेल रोल करके इस तरीके से पूरा स्ट्रेच करें एंड एक्सहेल डाउन। अब देख सकते हैं इस तरीके से, इससे क्या होगा कि आपको जब भी आप देखें एक तरह से ऐसा लगेगा आपको कि धनुरासन, ये मैं आसन ही कर रहा हूं, क्योंकि इससे क्या होगा आपका बैक फ्री होना बहुत ही जरूरी है। इनहेला एंड एक्सहेल डाउन। दोस्तों घर में कोई भी आपके पास टेबल इस तरीके से होगा ही, डाइनिंग टेबल के पास चेयर होते हैं, घर में और भी चेयर्स होते हैं, इस तरीके से सपोर्ट लें और इस तरीके से प्रॉपर आपके बैक को स्ट्रेच करें, जिसे आप आसानी से कर पाए। तो इसका ध्यान रखना है, आपको स्ट्रेच करते रहना है, आपको रुकना नहीं है दोस्तों, आप आसानी से कर पाएंगे, हार नहीं माने, क्योंकि क्या होता है कि हम आसन तभी नहीं कर पाते जब हम हार मान जाते हैं कि हमसे हो ही नहीं रहा है। एक बार में नहीं होगा दोस्तों, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, हर दूसरे दिन इसका
अभ्यास कीजिए। एक आसन को तब तक मत छोड़िए जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। आप देखिए एक हफ्ते दो हफ्ते में इंप्रूवमेंट आते आते आप महीने के लास्ट तक जाते जाते आप मास्टर हो जाएंगे उस आसन में। तो अभी यदि आप उस तरीके से करने के बाद थोड़ा सा भुजंग आसन भी कर लें। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, थोड़ा पाम और पीछे, एक्सहेल डाउन, थोड़ा पाम और पीछे, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, थोड़ा पाम और पीछे, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। तो इस तरीके से आपको एडवांस टू एडवांस स्ट्रेच करना है जिससे आप आसानी से आसन को कर पाए। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे शोल्डर को भी स्ट्रेच कर लिया है और हमने आपके बैक को भी स्ट्रेच कर लिया है। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं आपको आसन में, किस तरीके से जाना है। वो बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि क्या होता है जब भी हम हाथ को रोटेट करते हैं तो हमारा जो हाथ है वो रोटेट वो घूम नहीं पाता है, आप समझ पा रहे हैं। तो उससे क्या है कि आप घूम नहीं पाता है तो आप आसानी से मूवमेंट पैर को उठा नहीं पाएंगे। और हमेशा याद रखना है पैर को कभी भी अपनी तरफ नहीं खींचना होता है, पैर को सीलिंग की तरफ खींचे और आपके हिप को पेल्विस को नीचे दबा के रखना है और शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, लिफ्ट करें। ऐसा लगना चाहिए आपको कोई ऊपर की तरफ उठा रहा है, इस तरीके से होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको यह आसन करना है। तो यहां पर हम आपको बता दूं यदि आपको इस तरीके से मैट के ऊपर लेट जाना है, आपको लेट जाए कंप्लीट इस तरीके से मैट के ऊपर लेट जाए। मैट के ऊपर लेटने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो कंप्लीट पहले आपके थोड़ा सा लेग को स्ट्रेच करें, आपको इस तरीके से पकड़ें और पकड़ने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेच कर लें इस तरीके से। दूसरे पैर को भी स्ट्रेच कर लें जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि हम किस तरीके से आप पैर को ऊपर लेने वाले। तो अभी आपको यहाँ पे पकड़ना है, आपके टोज को इस तरीके से हुक करें, अंदर की तरफ करें, बाहर की तरफ ऐसे नहीं करना है। आपके टोज को अंदर की तरफ पकड़ेंगे और इस तरीके से एल्बो को घुमाएंगे। आप देख रहे हैं इस तरीके से थोड़ा ऊपर उठाएं, थोड़ा पैर को ऊपर उठाएं और घुमाएं एंड डाउन, आप समझ पा रहे हैं। तो आपको पहले टोस को पकड़ना है इस तरीके से, पैर थोड़ा ऊपर उठाना है, हाथ को घुमाना है, हाथ को नीचे लेके आना है। तो इस तरीके से दोनों पैरों को साथ में करेंगे, दोनों पैरों को कर लीजिए इस तरीके से, पैर ऊपर उठाइए, रोटेट कीजिए, हाथ ऊपर लीजिए एंड डाउन इस तरीके से, पैर ऊपर उठाएं धीरे से, एल्बो रोटेट करें एंड डाउन एंड रिलैक्स। यदि आप इस तरीके से रोटेट नहीं कर पाते हैं दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके घर में इस तरीके का कोई दुपट्टा हो, रोप हो, बेल्ट हो तो उसको ले लेना है और उसको इस तरीके से गांठ मार लेनी है। ये इस तरीके से आपको गांठ मार लेनी है, ये ऐसा हुक बन जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेटने के बाद जैसे कभी कुछ लोगों का मूवमेंट नहीं हो पाता है तो आपको इस तरीके से एंकल में लगाना है और आपको पहले मूवमेंट सीखना है। ऐसे लगाने के बाद आपको इस तरीके से पहले ऐसे पकड़ना है, एल्बो को अंदर से बाहर की तरफ रोटेट करें, इस तरीके से उठाएं, पैर को उठाएं, धीरे से नीचे लेके जाएं। कम से कम 10 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपके शोल्डर को पता चल जाए कि आप क्या स्ट्रेच करने वाले। इस तरीके से उठाएं एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स। तो सेम इसी तरीके से दूसरे पैर को भी स्ट्रेच कर लें जिससे आपको आसानी से पता चले, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। देखें कितना स्मूथ हो रहा है। मेन क्या है कि आपके माइंड को पता चलना चाहिए कि आप करने क्या वाले, क्योंकि जब तक माइंड को पता नहीं होगा आपका बॉडी रिएक्ट करेगा नहीं। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से इसका अभ्यास कर लें। यदि आप चाहिए तो दोनों पैरों में लगा के आप इस दुपट्टे को साथ में आप दोनों पैरों को उठा सकते हैं। तो आइए अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको बॉडी को ऊपर उठाना है। इस तरीके से आप लेट जाए, हमेशा याद रखिए आपके पैर को, इसको पेल्विस को नीचे दबाना है, ग्लूट मसल्स को इसको रोल करके नीचे दबाना है, अपर बॉडी को ऊपर एक्सटेंड करना है और पैरों को पीछे लॉन्ग करके ऊपर उठाना है, हाथ से पुल करना है, दोनों पैरों को फोल्ड करें, आपके दोनों पाम से इस तरीके से पकड़ें, टोज को कंप्लीट इस तरीके से अंदर की तरफ पकड़ने के बाद धीरे से इनहेल अप, रोल करें एंड एक्सहेल, एंड एक्सहेल डाउन एंड। तो इस तरीके से इसका अभ्यास करें, इस तरीके से आप अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। यदि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा भी लिफ्ट करें बट हाथ को रोटेट करने के लिए अभ्यास करें। मैं आपको बता दूं यदि आप पूरा लिफ्ट नहीं भी कर पा रहे तो आपके दोनों पैरों को फोल्ड करें, आपके टोज को होल्ड करें, आपको इस तरीके से एल्बो को रोटेट करें, उठाएं, होल्ड अप डाउन एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से इसका अभ्यास करें दोस्तों, आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे एक दिन, दो दिन, चार दिन में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा जिससे आपका यह पूर्ण धरुणासना होने लगेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। यदि चाहते हैं मैं किसी आसन के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें आसानी होगी अलग अलग वीडियोज़ बनाने में। तो प्लीज़ ये इसकी प्रैक्टिस करें। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में कि एक मैं ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा जिससे आप बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको आसन करने में, जो कि मुझे भी मिलता है। दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले, आसन की प्रैक्टिस करने से पहले, एक बार जब भी आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो पहले एक बार, दो बार, तीन बार बारीकी से देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए। लोग क्या करते हैं कि वीडियो को देखते नहीं है और कंटिन्यू स्पीड में देखते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। फिर जब करने लगते हैं तो फिर उनका कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, फिर नहीं कर पाते। तो वीडियो को कंटिन्यू देखें और आपके पहले माइंड में आसन का सेटअप बनाएं कि आप आसन में किस तरीके से जाएंगे, कैसे स्ट्रेच करेंगे, पैर को कैसे उठाएंगे। एक बार आपके माइंड में आपके उस इमेज को, उस चित्र को, अपने आप को देखें कि मैं कैसे पैर को उठा के कर रहा हूँ। एक बार करने के बाद आप फील करेंगे, जब भी आप मैट के ऊपर आएंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा वो करना, क्योंकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास और एक जो है कि दृढ़ शक्ति आ गई रहेगी कि मुझे कर लेना है, मैं ये कर लूंगी। क्योंकि भी आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ ज़रूरत है तो आपके माइंड सेटअप की और थोड़ी सी प्रैक्टिस की। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार और साथ देते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें।